हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजाज किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज फिर आपका भाई एक न्यू वीडियो के साथ आया है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है, वो भी मेरे स्टाइल में, जिसका नाम है मुगलई चिकन। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हम इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं। ये मैंने 1 kg चिकन लिया है जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है, और मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ करूँगा। ये विनीगर है, 2 tablespoons मैंने विनीगर लिया है, और ये मैंने 10 से 12 काजू का मैंने पेस्ट बना के रख लिया है, और ये 2 tablespoons नमक है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और ये काजू हमारे ग्रेवी में इस्तेमाल होंगे, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे यूज़ करेंगे। और ये मैंने 8 tablespoons मैंने दही लिया है, और ये चाट मसाला है, और ये हमारी काली मिर्च पाउडर है, और बाकी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। मिर्च हो गई, 10 से 12 मैंने मिर्च ली है, 2 inch का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, और ये लहसुन के जवैन हैं जो कि 10 है, और एक बड़ा प्याज है, और एक हम मोस्टली जो है ना अपने इंडिया में एक फ्रेश क्रीम आती है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहा हूँ, फ्रेश क्रीम इधर मिलती नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ले लिया है जिसमें मैं 250 ml पानी डालूंगा, और पानी को थोड़ा बॉयल देके मैं इसमें अदरक के टुकड़े, ये मैंने इनको टुकड़ों में काट लिया था, और ये मिर्च, और ये लहसुन, और ये काजू, मैं सब ये इनको बॉयल होने के लिए रख दूंगा। प्याज मैं काट लेता हूँ। प्याज को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और पानी में डाल दिया है। अब इन्हें हम 8 से 10 मिनट के लिए बॉयल करेंगे ढककर, कि जल्दी से हमारे गल जाएंगे इसको ढककर। तो चलिए मिलते हैं 8 से 10 मिनट के बाद में। तो गाइस, सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसमें हम 2 tablespoons जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, और 1 tablespoon हम इसमें नमक डालेंगे, और ये मैंने 8 tablespoons दही लिया था, इसमें से हम 4 tablespoons इसमें डाल देंगे मैरिनेट होने के लिए। हम बचा लेंगे, ये बाद में हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे, और ये जो मैंने काजू पेस्ट बना के रखा हुआ था वो भी इसमें डाल देंगे। और ये विनीगर था जो मैंने 1 tablespoon निकाल के रखा हुआ था, ये सब हम इसमें डाल देंगे, और 1 teaspoon इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, और 1 ही tablespoon हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। गाइस, हम इसको मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में लगा देंगे 2 घंटे के लिए। हम इसको मैरिनेट होने के लिए कितना भी, आधा घंटा, 1 घंटा, कितना भी ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना भी इसको टाइम देंगे तो उतना ही जूसी बनेगा हमारा चिकन। तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं थोड़ा टाइम के लिए रखूँगा इसको 1/2 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद मैं इसको बनाता हूँ। गाइस, हमारा ये ऑयल हो चुका है, हमने प्याज लहसुन अदरक जो डाला था ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा इसको छान के, मैं इसको ठंडा करके इसको मैं मिक्सर जार में पीस लूँगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। फिर तो ये मैंने इसको छान लिया है, और ये जब तक ठंडा नहीं होता इसको ठंडा करके हम पीस लेते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं इसको ठंडा होने तक का, ठीक है गाइस? देखिए कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। प्याज काजू और लहसुन अदरक का हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, ये हमने अच्छे से ठंडा कर लिया था इसको, और अब हम इसको मिक्सर जार में डाल के पीस लेते हैं। ये दही हमारी जो 4 tablespoons हमने बचाई थी वो इसमें सब डाल देंगे,
और इसमें विस्पिंग क्रीम हम बाद में डालेंगे, पहले इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए गाइस, हमने इसको पीस के रेडी कर लिया है। अब हम इसमें ये हमारी व्हिपिंग क्रीम जो है, इसमें हम 150 से 200 ग्राम डालेंगे। कम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ इसमें। भाई इसको थोड़ा सा फिर से घुमा लेते हैं, हल्का सा घुमाना है इसको, ज़्यादा नहीं। भाई हम इसमें, हमने इसके लिए बर्तन रख लिया है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 3/4 टीस्पून इस पे हम रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे और इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। इसमें इलायची और लौंग डाल लेंगे, 3-4 इलायची और 3-4 लौंग, थोड़ा गर्म होने के बाद। आपको बताना भूल गया था लौंग और इलायची के बारे में, हम इसमें ये भी इस्तेमाल करेंगे। गाइस तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये पेस्ट डाल देंगे। बड़े ही ध्यान से इसको हमें पकाना है, क्योंकि ये पकते पकते इसमें जो है ना, ये बॉयल आता है बहुत तेज तेज से, इसमें ये उछलने लगता है। इसमें हम ज़्यादातर अभी इस स्टार्टिंग में तो हम इसको ढकेंगे नहीं, थोड़ा पकने के बाद इसको तब जाकर हम इसको ढकेंगे। ये थोड़ा गर्म होएगा, गर्म होने के बाद में ये उछलेगा। देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, अब हम इसको कवर कर देंगे। इसको पूरा कवर नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा खोल के रखेंगे, नहीं तो ये नीचे चिपकने लगेगा, क्योंकि इसमें काजू है ना, तो काजू नीचे चिपकता है बर्तन। तो अब हम चलते हैं फाइनल अपने चिकन की तरफ। चिकन को हम अपने ओवन में लगाएंगे, अगर किसी के पास ओवन ना हो तो वो तवे पे भी इसको रोस्ट कर सकता है, मेरे पास है तो मैं इसे इसमें कर रहा हूँ। पूरा 1 kg चिकन इसमें आ चुका है और मैं इसको अंदर कर देता हूँ और ओवन को कर देता हूँ बंद। टाइमर सेट कर दिया मैंने इसका 16 मिनट। अब ये 16 मिनट में एक साइड से पक जाएगा, फिर मैं जब ये 16 मिनट में एक साइड से हो जाएगा तो मैं इसको पलट दूंगा, फिर मैं 10 मिनट उसको दूसरी साइड से सेकूंगा। तो ये जो मेरा उसका चिकन का जो मैरिनेशन बचा हुआ था, इसको मैं फेंकूंगा नहीं, इसको मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगा बाद में। तो इसको पकते पकते लगभग 8-10 मिनट हो चुकी है, मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पका रहा हूँ। और इसमें अब जो है, मैं इसमें 1/2 teaspoon इसमें नमक ऐड कर दूँगा, ये 1 teaspoon नमक है, इसमें से मैं 1/2 नमक डालूँगा और 1/2 teaspoon इसमें मैं चाट मसाला डालूँगा। और बाकी नमक मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में ऐड कर लूंगा, फिलहाल मैं नमक कम ही रखता हूँ कोई भी डिश बनाता हूँ। ये इसको पकते पकते 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख लीजिए, 6 मिनट एक साइड से पकेगा और 10 मिनट में दूसरी साइड से इसको भी नहीं हो रही है और गाढ़ी भी नहीं है। बाकी अभी इसको हमें पकाना है 5-7 मिनट और हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा। ये 16 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे ओवन का अलार्म बजना स्टार्ट हो गया है, आवाज आ रही होगी आपको, टू 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 टू।
देखिए मैं इसका स्विच ऑफ कर देता हूँ, इसमें पलट देता हूँ। हाथ चल सकता है इसमें, तो मैं इसलिए ग्लव्स का यूज कर रहा हूँ। तो मैं निकाल लेता हूँ, एक करके मैं इसको पलट देता हूँ। देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, देख के रहा नहीं जा रहा, दिल कर रहा कि खाना शुरू करूं। गाइस ये मैं पलट चुका हूँ सबको, अब मैं इसको फिर से 10 मिनट का इसमें मैं अलार्म लगा रहा हूँ। 30 मिनट 10 मिनट का अलार्म सेट कर दिया है, ये 10 मिनट में रेडी हो जाए। इतने हम ये जो मैंने मिक्सर का मसाला बताया था इसमें डाल देता हूँ, मैं इसको सारा नहीं डालूंगा नहीं तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने चाट मसाला और भी डाल दिया है अलग से, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको बचा लूँ। ये मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है, बस चिकन का इंतज़ार कर रहा हूँ, चिकन हो जाए रेडी, बाकी चिकन डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट चिकन डाल के पकाऊंगा, बाकी हमारा मुगलई चिकन रेडी। चिकन ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, तो ये चीखे मार मार के हमारे चिकन को बुला रही है, तो चलते हैं फिर चिकन की तरफ। चिकन हमारा रेडी हो चुका है, दिखा देता हूँ आपको। कितना अच्छे से इस पर कलर आया है, अब मैं जो है इसकी ट्रे को पूरी को ऐसे निकाल लेता हूँ। ये हमारा चिकन देखिए कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। देखिए हमारा चिकन कितने अच्छे से गल चुका है, देखिए इसको हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं चिकन ग्रेवी में, जैसे मैंने ग्रेवी पकने के लिए रखी थी तो मैरिनेट करके हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं चिकन को, ना करें इसको रोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। करके मैंने सारे पीसेस इस पर डाल दिए, ग्रेवी को चलाते हैं, ये हम फ्लेम को बढ़ा देंगे, फुल पे कर लेंगे फ्लेम, फ्लेम मैंने बढ़ा दिया। अब इसका फाइनल प्रोसेस, अब मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगा जो मैंने रोस्ट कर ली थी, मेथी डालने जा रहा हूँ, ये मैंने रोस्ट करके रख लिया था कसूरी मेथी को। पांच मिनट के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, 5 मिनट बाद इंशाल्लाह हमारी डिश रेडी है। तो गाइस 5 मिनट हो चुकी है, अब मैं इसको खोलता हूँ। वाह क्या खतरनाक खुशबू आ रही है, मैं इसको विदाउट कर लेता हूँ, फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ और मैं इसको करने जा रहा हूँ डिश आउट। इतनी खतरनाक खुशबू आ रही है कि देख के रहा नहीं जा रहा। गार्निशिंग के लिए मैं बटर डालने जा रहा हूँ, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, ना डालना चाहे तो ना डाल। थोड़ा गार्निशिंग के लिए मैं इसमें हरा धनिया डालूंगा, फ्रेश हरा धनिया, ये देखिए
हमारा शानदार मुगलई चिकन बन के रेडी है, इसी के साथ अब हम चलते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले, और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बाय।